इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दर्शकों, नए साल के जश्न को हल्के में लेना पड़ा लोगों को भारी। इसका अंदाजा आपको देश में बढ़ रहे संक्रमण के आंकड़े देखकर लग जाएगा। क्रिसमस सेलिब्रेशन, न्यू ईयर के वेलकम की तैयारी के साइड इफेक्ट के चलते ओमिक्रॉन के बड़े आंकड़े। ओमिक्रॉन से देश में दो लोगों की गई जान, जिसमें एक 73 साल के बुजुर्ग यानी कि राजस्थान के निवासी हैं और 52 साल के व्यक्ति की ओमिक्रॉन के बाद हुई मौत। इनकी रिपोर्ट नेगेटिव मानी गई है। सरकार ने यह नहीं कहा है कि इनकी मौत ओमिक्रॉन के द्वारा हुई है, लेकिन इनको ओमिक्रॉन हुआ इसके बाद यह खबर सामने आई है। ओमिक्रॉन ने यूरोप में मचाई भारी तबाही। यूएसए यानी कि अमेरिका में 24 घंटे में आए मामले यानी कि 5,72,000 लोग संक्रमित पाए गए, और वहीं बात करें फ्रांस में तो फ्रांस में 2,60,000 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। चीन में कई शहरों में लॉकडाउन के चलते भूखमरी की नौबत सामने आई। चीन के सियान प्रांत के लोगों ने कहा है कि हम भूखे मर रहे हैं। सोशल मीडिया में लोगों की शिकायत सामने आई है, लोगों के पास खाना खत्म हो गया है। एक परिवार में लोगों को यानी कि 3 दिन में बाहर निकलने की छूट दी गई है, इसलिए आप जब भी घर से बाहर निकलें मास्क जरूर पहनें।